पुतिन के बम के खिलाफ नेटो ने कमर कस ली है। बाइडेन के कहने पर जर्मनी में रूस के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान बन चुका है और अब टारगेट मॉस्को बताया जा रहा है। इस प्लान के मुताबिक एक साथ 250 लड़ाकू विमान अगर रूस की तरफ हमला करेंगे तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा। यूरोप से बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट लॉन्च हो रहे हैं। ये वीडियो पुतिन को डरने पर मजबूर कर सकता है क्योंकि खतरा परमाणु हमले का भी है। ये अमेरिका का F-35 है। ये स्वीडन का ग्रिपेन है। ये ब्रिटेन का यूरोफाइटर है। यहां जर्मनी का यूरोफाइटर भी है। ये फ्रांस का राफेल फाइटर जेट है। ये नॉर्वे का F-18 सुपर हॉर्नेट है। ये बेल्जियम का F-16 है। इन सबके टारगेट पर है पुतिन की राजधानी यानी मॉस्को। ये फाइटर हर दिशा से उड़ेंगे और इनके निशाने पर होगी रूस की कैपिटल। रूस पर सबसे बड़ी बमबारी के लिए यूरोप और नाटो की एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। अगर ये विमान रूस की सरहद में घुस गए तो क्या होगा? क्या पुतिन इन्हें रोक पाएंगे या ये मॉस्को पर ऐसी बमबारी करेंगे कि नौबत वर्ल्ड वॉर की आ जाएगी? क्योंकि मॉस्को के आसमान में यूरोप के फाइटर जेट पहुंचे तो सीन कुछ ऐसा होगा। धमाके क्रेमलिन से लेकर रेड स्क्वायर के कोने कोने पर होंगे। कोशिश पुतिन की सत्ता को पूरी तरह से हिलाने की होगी, लेकिन ऐसी बमबारी अगर हुई तो समझ लीजिए कि फिर विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये खतरा नेटो को भी है, ये पुतिन से लेकर बाइडेन तक जानते हैं। लेकिन डर यही है कि नेटो के फाइटर, चाहे वो F-35 हो या फिर यूरो फाइटर, वो F-16 या ग्रिपेन से लेकर राफेल तक पुतिन के शहर पर टूटना चाहते हैं और बम बहुत ज्यादा बरसाना चाहते हैं। अब ऐसा डर क्यों है और यूरोप की मॉस्को के खिलाफ बड़ी तैयारी क्या है, इसे गौर से समझिए। नाटो अपने इतिहास का सबसे बड़ा हवाई युद्धाभ्यास करने जा रहा है, नाम है एयर डिफेंडर। इसमें 25 देशों के 250 से ज्यादा जहाज शामिल होंगे। इसमें 100 से ज्यादा विमान अमेरिका के होंगे। इस युद्धाभ्यास में 2000 से ज्यादा उड़ान भरी जाएंगी। इस एक्सरसाइज में 10,000 से ज्यादा वायु सैनिक शामिल होंगे, जिसमें सिर्फ अमेरिका से 2,000 स्टाफ होगा। यानी इस पूरे युद्धाभ्यास के पीछे बाइडेन कैंप की साजिश है, ऐसा पुतिन का मानना है। Nationen, 250 Flugzeuge mit fast 10.000 Teilnehmern. Das sind insgesamt dann in den knapp 10 Tagen, die wir üben werden, kommen wir damit auf ca. 2.000 Flüge insgesamt. Wir sind ein defensives Bündnis und so ist auch diese Übung defensiv ausgelegt. इस युद्धाभ्यास में उत्तरी यूरोप से लेकर बाल्टिक देशों का पूरा एयर स्पेस इस्तेमाल किया जाएगा और जाहिर है यहाँ हर मिशन का टारगेट सिर्फ और सिर्फ रूस होगा। पुतिन होंगे, उनकी एयरफोर्स होगी
और रूस के शहर होंगे। इस युद्धाभ्यास में प्रैक्टिस की जाएगी कि कैसे युद्ध के दौरान रूस के खिलाफ मिशन शुरू किए जा सके, कैसे विमानों को एक बेस से दूसरे बेस और फिर रूस के करीब तक ले जाया जाए। अभी इस युद्धाभ्यास की मेजबानी जर्मनी कर रहा है, जहां के बहुत से एयरबेस इस एक्सरसाइज को लेकर एक्टिव कर दिए गए हैं। साथ में द नीदरलैंड्स और चेक गणराज्य में भी ऑपरेशन किए जाएंगे। हैरत की बात यह है कि कैलिनिनग्राद को लेकर नाटो डरा हुआ है और रूस के इस इलाके की तरफ से वो कोई उड़ान नहीं भरेगा। Genau dieses NATO-Territorium unsere rote Linie ist. Dass wir bereit sind, jeden Zentimeter dieses Territoriums zu verteidigen. Aber wir machen zum Beispiel keine Flüge in Richtung Kaliningrad. Also es ist defensiv ausgerichtet. NATO के लगातार होने वाले छोटे छोटे युद्धाभ्यास से ऐसी तस्वीरें आई हैं, जिनमें बहुत ज्यादा आग है, जो ऐसी नजर नहीं आएंगी। इसके मायने समझने होंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े धमाके जरूर देखेंगे, जो मॉस्को में हो सकते हैं, जो सेंट पीटर्सबर्ग में किए जा सकते हैं। ये KC-135 टैंकर है, जिससे अमेरिका और बाकी नाटो के लड़ाकू विमानों में ईंधन भरा जा रहा है, ताकि ये लंबे मिशन के लिए तैयार हो सके। नाटो में शामिल देशों ने रूस विरोधी गुट को इसलिए चुना क्योंकि वो पुतिन को बड़ा खतरा मानते हैं और रूस के खिलाफ मिलकर लड़ने में अक्लमंदी समझते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी अकेले पुतिन का मुकाबला नहीं कर सकता। UK is proud to be behind the US, the biggest contributor to the military effort in Ukraine. And I think it's right that other countries also step up and do their part. We're lucky to have America's investment in European security, but we need to share the burden alongside you, which is why defense spending in the UK has been above the 2% NATO benchmark. अमेरिका का KC-135 टैंकर विमान इस युद्धाभ्यास का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। लंबी दूरी के मिशन को अंजाम देने में इसकी अहम भूमिका होगी। देखिए कैसे ये बेल्जियम के F-16 फाइटर जेट की पेट्रोल टंकी भी भर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को मिड एयर रिफ्यूलिंग कहते हैं और इसके जरिए विमान लंबी दूरी तक ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि तब उनके पास बड़े मिशन के लिए पेट्रोल होता है। इसी तरह F-35 स्टेल्थ फाइटर में ईंधन भरा जाता है। KC-135 टैंकर विमान से एक बूम यानी पाइप निकलता है और विमान की बॉडी में उस जगह जाकर फिट हो जाता है जहां पेट्रोल टंकी होती है। ये नाटो या कहें कि पुतिन के दुश्मनों का युद्धाभ्यास है। उनका मकसद साफ है कि किसी भी तरह यूरोप के किसी भी इलाके से उड़कर मॉस्को या फिर सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचकर बमबारी करना और फिर वापस लौट जाना। ये पुतिन के खिलाफ बहुत ही हिम्मत वाला कदम कहा जाएगा। देखा जाए तो पुतिन को डराने के लिए नाटो ने कमर कस ली है। पुतिन की नींद उड़ाने के लिए बाइडेन का गैंग सुपर एक्टिव है। पुतिन यूक्रेन से भाग जाएं और यूक्रेन की तरफ मोड़ कर ना देखें। इसके लिए रूस के खिलाफ सबसे खतरनाक एयर अटैक की तैयारी लगातार जारी है। इसमें शामिल है नाटो के 5 बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट। इसमें स्टेल्थ फाइटर F-35 है, इसमें बहुत ही भरोसेमंद F-16 है, इसमें बहुत ही फुर्तीला ग्रिपेन लड़ाकू विमान है, इसमें यूरोप की शान यूरोफाइटर टाइफून है और इसमें हरफन मौला F-18 सुपर हॉर्नेट भी है। ये विमान ऐसा धमाका करने के लिए तैयार हैं जो मॉस्को को दबा कर सकते हैं, जो सेंट पीटर्सबर्ग के साथ यूरोप के बीचों बीच रूस के बहुत बड़े ठिकाने कैलिनिनग्राद और वहां मौजूद मिलिट्री बेस को खत्म कर सकते हैं। ये फाइटर जेट इस वक्त यूरोप में अलग अलग जगह लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। I would be pretty surprised if any world leader was not taking note of what this shows in terms of the spirit of this alliance, which means the strength of this alliance. And that includes Mr. Putin. इसमें कोई शक नहीं कि नाटो का हर कदम रूस के खिलाफ ही उठता है, उसके टारगेट पर रूस ही है। ये तस्वीरें हैं नॉर्वे की और यहाँ नाटो की वायुसेनाएं बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रही हैं, जिसका अंजाम रूस की मिलिट्री पावर को पूरी तरह से खत्म कर देना है। इसके लिए ये पुतिन के घर तक पहुंचना चाहते हैं, यानी कि उनके शहर मॉस्को को बमबारी से दबा कर देना चाहते हैं। कोई शक नहीं कि इसके लिए इनकी तैयारी बहुत पुख्ता है और बड़े युद्ध के दौरान मॉस्को पर ये विमान देखे गए तो हैरानी नहीं होगी
क्योंकि पुतिन के खिलाफ साजिश तो मिलकर की जा रही है। बाइडेन बहुत ही प्लानिंग के साथ नाटो के विमानों को इकट्ठा करके पुतिन को लगातार डरा रहे हैं। पुतिन को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं और इसमें उनका फ्रंट लाइन फाइटर जेट F-35 सभी विमानों की अगुवाई कर रहा है। अमेरिका और रूस के भी किसी भी बड़ी टक्कर में अमेरिका सबसे पहला वार इस फाइटर जेट से करना चाहेगा। F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दुश्मन का विमान इसे नहीं देख पाता और ये उसको पहले ट्रैक करके उस पर हमला बोल सकता है। दुश्मन के ठिकानों के करीब भी ये रडार से बचकर पहुंच सकता है और वहां बिना ट्रैक किए हुए हमला कर सकता है। F-35 की अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। अमेरिका के पास अभी करीब 500 F-35 विमान है, लेकिन अमेरिका अब भी पूरी F-16 फ्लीट को F-35 से बदलना चाहता है और उसकी तैयारी है कि अमेरिका के एयरफोर्स में ऐसे करीब 2500 विमान होंगे। अमेरिका अब नाटो के अलावा अपने कई करीबी देशों को इस विमान से लैस कर चुका है। अमेरिका का इरादा साफ है, वो पूरे यूरोप को इसी फाइटर से बचाना चाहता है और आर्कटिक के इलाके में ये जहाज तैनात करके अमेरिका ने अपनी तैयारी दिखा दी है। अगर अमेरिका ने F-35 के जरिए युद्ध किया तो पुतिन इसके खिलाफ अपने सुखोई 57 फाइटर जेट लाएंगे। ये बहुत बड़ी टक्कर होगी जिसमें नुकसान का दायरा बहुत बड़ा होगा। दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट अगर एक दूसरे के सामने उतरेंगे और उनका आमना सामना हो गया तो ये यूरोप के आगे की टक्कर होगी। ऐसे हालात में विश्व युद्ध को रोकना मुश्किल हो जाएगा और नौबत परमाणु युद्ध की भी आ सकती है। ये डर इसलिए है क्योंकि इन फाइटर जेट्स की वजह से यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध होने का खौफ बढ़ने लगा है।